वेल, आइए आज डिस्कशन करते हैं एक नया टॉपिक, नाम है जिसका कोरिलेशन। सबसे पहले तो हमें समझना है कि भी कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन के लिए लिखा हमने इन्हें बाईवेरिएट डेटा, इन्हें बाईवेरिएट डेटा। कौन सा होता है बाईवेरिएट? बाईवेरिएट का मतलब है जिसके अंदर आपके पास दो वेरिएट्स हों, एक पेयर की तरह, जैसे आपके पास एक्स और वाई, एक्स वन वाई का, ये आपके पास इस तरह का वेरिएट आपके पास हो गए, एक एक्स हो गया, दूसरा आपके पास वाई हो गया। तो कहते हैं बाईवेरिएट डेटा, वी मे बी इंटरेस्टेड इन टू फाइंड इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी। यानी ये जो x और y हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, इनका बहुत सारा कलेक्शन अगर मेरे पास आ जाए, x1, y1, ऐसे ही x2, y2, like this, xn, yn, तो इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बहुत सारे आ गए। अब हमको स्टडी करना है कि इस x और इस y के अंदर क्या किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है, क्या x में कुछ चेंज करने से y में कुछ चेंज होता है। तो दैट इज द रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमारा अगर आता है, कितना आता है, उसको हमने स्टडी करना है अंडर द कोरिलेशन। तो द कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ये तो कोरिलेशन हो गया। अब बात आती है कोरिलेशन एनालिसिस की। तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है जी? कोरिलेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स द वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास इस कोरिलेशन को चेक करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन एनालिसिस। दैट इज द टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द मेजर द एक्सटेंट टू विच द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक तो हुआ रिलेशनशिप को स्टडी करना कि देयर इज समथिंग, सम रिलेशन और नॉट, और वो रिलेशन कितना है, कम है, ज्यादा है, यानी कितने एक्सटेंट तक है, उसको स्टडी करना वो कोरिलेशन एनालिसिस में हमारे पास आ जाता है। आइए, इस कोरिलेशन की एक डेफिनेशन भी है, केवल एक ही ली है मैंने यहां पर। तो कहते हैं कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब एक चीज होती है वेरियंस, वेरी करना, और कोवेरियंस का मतलब आपस में मिलकर के वेरी करना, दो एक पेयर का वेरी करना या पेयर ऑफ डेटा का वेरी करना। तो कहते हैं कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये तो दो है जी, पेयर हैं, लेकिन आगे हम चल करके कुछ और वेरिएबल्स, तीन की भी बात कर सकते हैं आपसे। तो दैट इज द कोरिलेशन इज एन एनालिसिस। कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, करेक्ट। Two variables are said to be correlated if the change in one variable, एक variable में आप change करके देखो, तो जो दूसरा variable है, उसमें इस एक variable के change करने का क्या effect आता है, उसी को study करना है, उसी को हम कहते हैं correlation analysis। तो overall जो भी ऊपर हमने बातें की, उन सब से हमें पता चला कि कोरिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच में या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक के चेंज होने से दूसरे में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है, या कितना आता है, इस चीज को स्टडी करना हम कोरिलेशन कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरह के कोरिलेशंस की बात कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला मेरे पास आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन।
पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों को बारी बारी से स्टडी करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि ये जो एक्स और वाई हैं, उन दोनों में एक ही तरह का चेंज हो। अगर हम इस एक्स को बढ़ाएं, वाई भी बढ़ता चला जाए, फिर एक्स को और बढ़ाएं, वाई और बढ़ता चला जाए, या एक्स को कम करें, वाई भी कम हो जाए। तो इसी बात को लिखा हमने यहाँ पर, इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स डेविएट, डेविएट का मतलब चेंज होना, इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में, दोनों वैल्यूज इंक्रीज होती हैं या दोनों वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो सेम डायरेक्शन में, यानी एक को चेंज करो, एक को बढ़ाओ, दूसरा भी बढ़ जाए, एक को कम करो, दूसरा भी कम हो जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू में इंक्रीज करने से वाई भी इंक्रीज हो जाए, और आगे इंक्रीज करें तो और इंक्रीज हो जाए, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन। या इसी तरीके से एक्स को डिक्रीज करें तो वाई भी डिक्रीज हो जाए, एक्स को और डिक्रीज करें वाई और डिक्रीज हो जाए, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे दो एग्जांपल भी मैंने लिखे यहां पर, यहां पर हमने लिखा हाइट एंड वेट। हाइट और वेट, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी छोटे बच्चे की ही बात कर लें, छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, हाइट बढ़ती चली जाती है, तो उसका वेट भी उसी हिसाब से चेंज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया जिसमें। फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पक्की बात है, ये भी आसान सी बात है जी। इनकम अगर किसी फैमिली की ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी उसका ज्यादा होगा जी। ठीक है, ऐसा जनरली हम लोग मानते हैं जी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। परफेक्ट, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, और आगे आते हैं, बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन में उल्टा है जी। इफ द वेरिएबल डेविएट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक्स की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करें और पता लगा जी वाई की वैल्यू तो कम हो रही है जी, एक्स को और इंक्रीज करें वाई और डिक्रीज हो गया जी, तो एक की वैल्यू का इंक्रीज करना, दूसरी का डिक्रीज करना, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में चलना, उसे हम बोला करते हैं जी नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन इज नेगेटिव। देखिए अच्छा सा एक एग्जांपल लिखा मैंने, प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। आपको मालूम है इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो प्राइस और डिमांड, मान लीजिए एक्स मान लेता हूं उसे, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो पक्की बात है डिमांड कम हो जाएगी, यानी महंगी चीज हो जाएगी तो उसको खरीदने वाले कम हो जाएंगे, ऐसा होता है जी इन जनरल। इसी तरीके से सेल ऑफ वुलन गारमेंट विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, ज्यादा गर्मी हो गई, वुलन गारमेंट्स की सेल कम हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज या दो डेटाज जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उनके बीच में कोरिलेशन कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट फाइन। एक और टाइप का रिलेशन बात कर रहे थे, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर जो बना है वो लाइन से बना है, लाइन। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन आपने ले लीजिए, अब इस स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आपके पास डाटा अगर आपने प्लॉट किया एक्स और इधर वाई, तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज, ये है एक्स की वैल्यू, और आगे बढ़े आप इंक्रीज किया तो वाई भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता चला जाता, और एक सेम रेशो क्या लिखा देखिए हमने यहां पर, द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज सेड टू बी लीनियर इफ कोरस्पोंडिंग टू द यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल जिसे आप एक्स कह सकते हैं, उसके अंदर आपने यूनिट चेंज किया, यूनिट चेंज का मतलब वन चेंज किया, तो कहता है एक कॉन्स्टेंट चेंज सारी की सारी वैल्यूज के लिए अगर होता चला जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं जी, लीनियर कोरिलेशन हम उसे बोल दिया करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर कोरिलेशन।
the correlation between the two variable is said to be linear if corresponding to a unit change in one variable. उस वन वेरिएबल को चलिए हम x ले लेते हैं, तो x में अगर आपने यूनिट चेंज किया है तो देयर इज ए कांस्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल ओवर द एंटायर रेंज. एंटायर रेंज की बात हो रही है जी. एंटायर रेंज का मतलब है x की वैल्यूज और y की वैल्यूज बिल्कुल उसी सेम रेशो में, यानी x बढ़ा रहे हैं y उसी सेम रेशो के अंदर इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो इसे इस तरह से क्या करेंगे, जब ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी जी. लाइन बन जाएगी तो रिलेशनशिप उन एक्स और वाई की वैल्यूज के बीच में एक लीनियर हो गया जी. और अगर वो लाइन नहीं बनती थी, वो कर्व टाइप की कोई स्ट्रक्चर बन जाती है जी, हमारे पास कर्व बन जाता है, तो उसे हम नॉन लीनियर कोरिलेशन बोला करते हैं. इज इट फाइन? करेक्ट. और आगे देखते हैं जी. अब आते हैं जी डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन. कोरिलेशन हम लोगों को स्टडी करना है और किन किन मेथड्स का यूज करके हम उस कोरिलेशन को स्टडी करते हैं. सबसे पहले मेथड का नाम मेरे पास आया जी, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल, बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड हम बोलते हैं जिसे, रैंक मेथड, कंकरेंट डेविएशन मेथड. ठीक है, ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिनको हम बारी बारी आपके साथ डिस्कशन करेंगे डिफरेंट वीडियोस में. तो आज अभी फिलहाल हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड. अब स्कैटर डायग्राम मेथड जो है वो ग्राफ बना करके, यानी डाटा को प्लॉट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं जी, कि उनके बीच में, डाटा के बीच में कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं है जी. तो इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका है जी. डायग्राम बना करके डाटा को टू वेरिएबल्स के, और उनमें किस किस टाइप की स्ट्रक्चर हमारे पास आ सकती है उस डाटा की, उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की है जी आपके साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देख रहे हैं आप x एक्सिस और ये y एक्सिस, टू वेरिएट्स हैं हमारे पास, एक x है और एक y है. उनको जब हमने प्लॉट किया तो यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये अगर ये इस डॉट की बात मैं करूं आपसे तो ये मेरे पास x की वैल्यू हो गई और उसके बाद ये y की वैल्यू, फिर x को आपने और इंक्रीज किया, y भी इंक्रीज हो गया थी. और देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास, और आप देख रहे हैं x बढ़ता जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है. तो जब x और y एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ रही है तो y भी बढ़ रहा, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बन गई जी, बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है इनमें, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इज इट ओके? और अगर यहां देखें, यहां देख रहे हैं x की वैल्यू ये है, y ये है जी, x आपने इंक्रीज किया, y नीचे आ गया जी, y कम हो गया, y की वैल्यू, y की वैल्यू पहले यहाँ थी जी, अब x को बढ़ाने से y और नीचे आ गया, x और आगे बढ़ा जी, y और नीचे आ गया. इसका मतलब x एंड y आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एक स्ट्रेट लाइन बन गई जी. इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन तो एक को इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इससे पता चल रहा है जी मुझे. लेकिन आप देख रहे हैं एक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा कम होता जा रहा है, इसलिए इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हम दे रहे हैं. इज इट फाइन? यहां देखें थर्ड वाले में, थर्ड वाले में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, वाई भी इंक्रीज करता चला जा रहा है, लेकिन कोई एक ऑर्डर नहीं है जी. ठीक है, तो ये लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, x के इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो है लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसा यहां पर थे जी. तो इसलिए डिग्री जो है वो कोरिलेशन की, आपस में इनमें संबंध तो है, रिलेशन तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जी. इसलिए हमने इसको लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बोला जी. और अगर इधर देखें तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है जी, और वो भी लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है जी. तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन
लास्ट वाले पर देखें, यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लग रही है, परफेक्ट जैसी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हम इसको बोल रहे हैं जी, परफेक्ट। नेक्स्ट पर चले, कुछ और भी है हमारे पास अभी, यहां देखें तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और बाकी लास्ट वाले दो पर देखें तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है जी, डाटा हमने प्लॉट जरूर कर दिया लेकिन हमने देखा कि इनके अंदर किसी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे नो कोरिलेशन। इज इट ओके? अब इस स्कैटर डायग्राम की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कशन अगर मैं करूं आपके साथ, तो ये तीन चीजें हमने यहां पर लिखी हैं कि तो दिस मेथड गिव्स ओनली द रफ आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप। अगर आप प्लॉट करते हैं तो रफ आइडिया ही हमें मिलता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है, जस्ट इतना आइडिया मिल जाता है, लेकिन उसकी कितनी डिग्री है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो न्यूमेरिक टर्म में हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन नहीं मिल पाएगा स्कैटर डायग्राम को बनाने से। दिस मेथड गिव्स ओनली द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप आइदर द पॉजिटिव नेचर और द नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसा कुछ मुझे डेटा देता है। स्कैटर डायग्राम एनेबल अस टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट लाइन। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट लाइन क्या है जी? अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखें, तो यहां देख रहे हैं ये, यहां अगर आप आइडिया लगाएं तो आपको जस्ट एक आइडिया ये लगेगा कि ये आप इन लाइंस को अगर ज्वाइन कर लें, तो जस्ट थोड़ा सा चेंज करो, आइए देखते हैं। यहां देखें अगर आप, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो हमने यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ डेटा उसके ऊपर है, कुछ डेटा उसके नीचे है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मुझे दे रही है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो कि इस डेटा का आपके पास कोरिलेशन के बारे में जस्ट एक आइडिया हम क्रिएट कर सकते हैं एक लाइन प्लॉट करके, और वो लाइन आपकी और मेरी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट मेथड नहीं कहा जा सकता जी इसको। इज इट फाइन? आइए अब एक एग्जाम्पल डिस्कशन और करते हैं आपके साथ, देखते हैं जी क्या है वो एग्जाम्पल। ये है जी मेरे सामने एक क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। हाइट गिवन है, वेट भी गिवन है, हाइट इंचेस में गिवन है, वेट केजीज में गिवन है। आपसे बोला गया ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम एंड इंडिकेट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बस केवल जस्ट आइडिया आपने बताना है कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी को ही केवल चेक करना है हमने। तो देखते हैं किस तरीके से हम उसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखिए जी, यहाँ पर हमने एक्स और वाई को इस तरीके से प्लॉट करना है। यहाँ देखते हैं 62 और 50, 62 और 50, ये आपके पास x का वैल्यू 62 और y का वैल्यू ये 50, इसको मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद x का वैल्यू 72, y का 65, x का वैल्यू 72, y का 65, लगभग इस साइड पर मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आता है x का वैल्यू 68, y का 63, 68 और ये 62 के बाद यहाँ पर ये 63, इसके बाद 58 और 50, 58 पर ये 50 है ये, नेक्स्ट मेरे पास है 65 पर 54, 65 ये आपके पास है, 54 यहाँ चाहिए, ये 54 आ जाएगा यहाँ पर, 70 पर 60, 70 पर ये 60, ठीक है, और आगे देखें तो 66 पर 61, ये 66 और यहाँ पर ये 62 से पहले ये थोड़ा सा 61, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 63 पर 55,
ये 63 पर, ये 50 और ये 55, करेक्ट। 60 पर 54, 60 पर ये 54, 72 पर 65, 72 पर एक बार फिर से 65, वही सेम थिंग। तो प्लॉट करके आपको क्या आइडिया लग रहा है? मुझे तो लग रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। पॉइंट्स आपके पास काफ़ी क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा डिस्पर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नहीं है जी। तो आप इसे कह रहे हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, करेक्ट। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोरिलेशन स्टार्ट किया और उस कोरिलेशन के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना, डिफरेंट मेथड्स को हमने जाना, लेकिन डिस्कशन केवल एक ही मेथड को किया जो कि डायग्रामेटिक मेथड है, डायग्राम द्वारा बनाया हुआ मेथड है। उससे एक एग्जांपल भी हमने करके देखा और उस एग्जांपल में हमने केवल प्लॉटिंग किया पेयर ऑफ डेटास को, हाइट और वेट, और हमने बताया कि हाइट और वेट जो कि 10 स्टूडेंट्स के मुझे गिवन थे, दे हैव ए रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, और उसका डिग्री भी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर दिखाई दिया जी। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी तरह का कोई और टॉपिक आपको करना है या आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो मुझे आप मेल कीजिए, सो दैट की आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो टाइम से पूरा कर सकूँ जी। थैंक यू वेरी मच।